मतदान होने हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में सिसवा विधानसभा क्षेत्र में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनते हुए कांग्रेस सपा और इंडी की जमकर आलोचना की। तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी विरोधी घूम रहे हैं, सपा और कांग्रेस के दो चेला राहुल और अखिलेश घूम रहे हैं, ये दोनों अभी बच्चे हैं और इनको पता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर उनके चाचा हैं। महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराने का काम किया है। देखिए, उनके पास कोई विजन तो है नहीं। हम बिजली का बिल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को आवास देने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लड़ रहे हैं, हम 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लड़ रहे हैं। यही लोग झूठ बोलते हैं। जो राहुल जी और ये अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोलने की मशीन है। सर कई जब सरकार रहल, मायावती जी का सरकार रहल, राहुल जी का सरकार रहल, अखिलेश जी का, तो ये लोग काहे नहीं रसनवा बटना, तब तक सड़त रहे, चूहा काटत रहे, वही गोदाम में सड़ जात रहे, फेंकात रहल। यहाँ तक गरीबन के दिया था, गरीब खा के मस्त बहन, हर हर मोदी घर घर।